नो ऑप्शन लेफ्ट एट द एंड, इसको ऐसे बांध के लेके जाना पड़ रहा है। पहले इसका गाड़ी खराब हुआ, मेरा फ्यूज उड़ गया, नो लाइट्स। अच्छा पीछे से गाड़ी ठुका है शायद, पीछे से गाड़ी ठुका है और भी कहीं से, पुलिस जी आ गए। अच्छा बाइक वाले भी गिरे हैं। Hey guys, I'm back with a new video again. This is your bike race and this is just 6 o'clock in the morning. अभी कुछ करना है पर Batman is not there. We are taking this on ride. अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, मैं इसको बाहर निकालता हूँ, कोल स्टार्ट करता हूँ फिर दिखेगा। तो कोल स्टार्ट कर दिया है एंड हम इसको लेके राइड पे जा रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स गो, क्या होता है पता नहीं, पर सडनली वन वीडियो इज कमिंग टुडे। सडन प्लान, नो प्लान, कल तक कोई प्लान नहीं था। आई विल सी यू इन कैमरा नाउ। तो एक्चुअली हम लोग कहीं का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ और जनता जा रही है, देखो सब रेडियो के बैठे हैं। वाह बेटा बाइक धो रहा है क्या, पोंछ रहा है इस टाइम पे। सो मेरा बैटमैन आगे चल रहा है देखो, और एक स्कूटी है पीछे, और दिखाई नहीं दे रहा, रेडार में नहीं है, थोड़ा पीछे है, ठीक है। और हम लोग इंटरकॉम से बात करते हुए, बकसोदी करते हुए जा रहे हैं। एंड टुडेज प्लान इज टू गो पूरी, इसीलिए हम लोग 6 बजे निकले हैं, अर्ली मॉर्निंग 6। एंड टुडेज ब्लॉग में आई एम राइडिंग निंजा 300, मेरे पास निंजा रहेगा, आई एम फुल डे, हम निंजा पे राइड करेंगे आज। देखते हैं कितना मजा आता है हाईवे पे। तो कैसे हो आप लोग, राइड ऑलरेडी स्टार्टेड, अब यहाँ से हम भुवनेश्वर हाईवे पकड़ेंगे, मतलब कटक भुवनेश्वर हाईवे जो है वो सीधा पूरी कनेक्ट करता है। हम पीछे से भी जा सकते थे लेकिन वहाँ से नहीं जाएंगे, बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत सारा मतलब समझो कि बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम उधर से जाएंगे ही नहीं। हम लोग को जल्दी पहुँचना है, जल्दी नहीं आराम से जाना है, आराम से ही चल रहे हैं। देखो एक स्कूटी है इसीलिए वी आर नॉट एबल टू पुल। निंजा लेने का भी फायदा नहीं है यार, जब खींच ही नहीं पा रहे। फाइनली हाईवे पे आ गए, फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर निंजा। अब आएगा ना निंजा पे भगाने का मजा। लड़के बोल रहे हैं सामने स्पीड मीटर होगा, संभल के। हाँ अच्छा, तो मैं स्पीड मीटर को देख के चलाना पड़ेगा। निंजा ऑन द फ्लोर मैन, क्या देखो ऐसे ही भाग जाती है 70, पता ही नहीं चलता। चलो कोई नहीं, आराम से चलेंगे, विल गो बाय सेफ राइड। एंड ये लोग को पता है कहाँ स्पीड ब्रेक, कहाँ स्पीड मीटर है, स्पीड ब्रेकर है, सभी लोग को ही पता है, सो आई एम फुल्ली रिलायबल ऑन देम। देखते हैं, चलो फाइनली शायद भुवनेश्वर से थोड़ा आगे निकल गया, पता नहीं, ये दूसरा हाईवे पकड़ने वाले हैं। एक हाईवे से आए, एक हाईवे छोड़ के फिर दिस इज लाइक छोटा हाईवे टाइप का ही है, पर यहाँ से हम 12 किलोमीटर स्ट्रेट जाके फिर पूरी हाईवे पकड़ेंगे और वहाँ से सीधा पूरी। आज फुल ऑन डे, बीच में सोच तो रहे हैं, अभी से धूप निकल गया है, देखते हैं। इस 7:50 इन द मॉर्निंग हम लोग कहीं रुके नहीं हैं, कंटिन्यूस देखते हैं, कहीं देख के 8 बजे की तरफ, अगर 8 बजे की तरफ हम जितना दूर पहुँचे वहाँ रुक के कुछ तो खाएंगे, क्योंकि भूख लगेगा सबको। कुछ खाने के लिए रुकना था है ना, तो कुछ एसएसबी के बंदर लेके आए यहाँ पे, देखो जीत सिंह, कबीर सिंह पार्ट 2। उसका एग्जाम चल रहा है अभी, चलो समझ सकते हैं दर्द। आइए आइए, क्या हुआ है भाई? मेरे को कुछ नहीं हुआ। अरे इसका गाड़ी का, ये तो स्कूटी है ना, इसका ब्रेक नहीं लग रहा है शायद, मतलब ब्रेक लूज है, लग तो नहीं लग, लग रहा होगा लेकिन, लग रहा था लेकिन ब्रेक लूज है थोड़ा, स्पीड की वजह से थोड़ा हम फंस गए थे, ब्रेक नहीं लग रहा था। अरे एक्चुअली क्या हुआ ना, 70-80 के स्पीड में था और सडनली एक ऑटो वाला बिना इंडिकेटर के इधर किया, तो उस टाइम बचने के चक्कर में ना इसके साथ थोड़ा ब्रेक लेट लगा, स्कूटी है ना, प्लेजर है वो भी, तो ब्रेक लेट लगा, हम लोग को भी उसका गाली तो दिए थोड़ा सा, कोई नहीं, देख दस इसको चलाने में ना हाईवे पे, वो भी देखो मस्त मजा आ रहा है। अब थोड़ा चाय वाय पियेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा तो बचा नहीं है, 50 किलोमीटर बचा होगा यहाँ से, और लेट्स सी यहाँ पे वी हैड समथिंग। अब यहाँ से निकलेंगे, कंटिन्यू टू द आवर राइड, यहाँ से 50-60 किलोमीटर बाकी है, सो वी विल कंटिन्यू द राइड। एंड आज आपको पूरी दिखाएंगे और धूप भी बहुत मस्त है, तो आई गेस बहुत मजा आने वाला है पूरी में। क्या बोलूँ इस गोप्रो को मैं,
अभी खा के निकला और पता नहीं बैटरी इतना हैंग क्यों कर रहा है। बैटरी गोप्रो का ओरिजिनल बैटरी है, तभी गोप्रो हैंग किया, एक बार ऑफ हो गया। कोई नहीं, फिर से दूसरा बैटरी चेंज किया, अभी सही चल रहा है। कुछ हुआ है एक्सीडेंट यहाँ पे। अच्छा, पीछे से गाड़ी ठुका है और भी कहीं से पुलिस जी आ गए। अच्छा, बाइक वाले भी गिरे हैं। गाइस, कैसे चलाते हो, थोड़ा ध्यान देके चलाया करो यार, एक ही जिंदगी है। हम लोग तो बहुत आराम से आ रहे हैं, इसीलिए नो रश नथिंग, आराम से, एकदम आराम से आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान देके चलाओ, बेचारी लड़की का पैर टूट गया यार, पता नहीं कैसे चलाते हैं लोग आजकल। वेलकम टू पूरी। मैंने डोकमार बाइकर को बोला था प्लान करते हैं पूरी जाने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं अकेले ही जा रहा हूँ अभी। बट आई हैव माय गाइस विद मी, है दो गाइस एंड वी आर इनसाइड पूरी। पूरी घुस चुके हैं हम लोग, इट्स जस्ट 8:30 एंड हम पूरी घुस चुके हैं, पर यहाँ से बीच थोड़ा दूर है, तो लेट्स सी, मंदिर दिखाते हुए जाएंगे, क्योंकि मंदिर अंदर घुस तो नहीं पाएंगे, बहुत तगड़ा लाइन रहता है, बहुत तगड़ा वाला भीड़ रहता है, जाम रहता है, पर हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, ताकि अब क्या कर सकते यार, हम अगर मंदिर गए तो फिर हम वहीं पे रह जाएंगे, दिन पूरा वहीं ख़त्म हो जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। चलिए देखते हैं तब भी क्या होता है, कितना होता है। सो गाइज, दिस इज नॉन एज उड़ीसा स्वर्ग द्वार, ऐसे मेरे को मिला है खबर, इसको स्वर्ग द्वार बोला करते हैं, मतलब सी द फील द बिचेस, ये बेबी वी आर हियर, इसको स्वर्ग द्वार बोलता है। अरे ये रोक क्यों लिया, इतना जल्दी नहीं रोकना था भाई, पीछे गाड़ी वाड़ी होता तो। अरे आ, और निंजा को तो मैंने खींचा है अभी, पूछो मत, निंजा का एक पेट्रोल घट गया, एक काटी, इतना खींचा। वी आर एंटरिंग इन प्राइवेट बीच, यहाँ पे कुछ टिकट ऐसे काटना पड़ता है, हम तीनों का काट लिया है, ठीक है, आगे जाके पार्क करना पड़ेगा गाड़ी। आओ, मतलब निंजा का सैंड में भगाने वाला था, लेकिन क्या करूँ, पार्क करना पड़ेगा बोल रहा है। अरे हम अलग चले गए थे, उस तरफ सिर्फ गाड़ियों का था, ओनली फॉर कार्स, एंड नाउ वी आर गोइंग जहाँ पे हम बाइक रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमको फिर से वापस आना पड़ा बाइक रख के, प्राइवेट बीच, इज अ प्राइवेट बीच, ठीक है, आराम से इंजॉय करेंगे। अरे 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 अरे, अब यहाँ गाड़ी लगाओ, अब गाड़ी तो लगाने का जगह दिख नहीं रहा है। फाइनली पहुँच गए, इतना सारा सामान लेके, निंजा को खड़ा कर दिया यहाँ पे, ये एनएस भी खड़ा हो गया, निंजा और वो स्कूटी वहाँ पे खड़ा है। कब टिकट हो, प्राइवेट भी थी, इतना भीड़। दिस वॉज लाइक, ये है पूरी बीच, देखो ये पूरा पूरी बीच है, और हम लोग पूरा मस्ती करके पूरा भीग गए विद फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, एनीवेज इट वॉज द बढ़िया। तो चलते हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे, फिर एक और बीच जाएंगे, वहाँ भीगेंगे नहीं, बस बैठ के फिर बातें करेंगे, फिर निकल जाएंगे। हमारा फाइनली ये प्राइवेट बीच वाला सीन खत्म हुआ, यहाँ से वी हैव टू मूव आउट, हम निकलेंगे यहाँ से, वी हैव टू, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ खाने के लिए देखेंगे और देखते हैं सामने जाके, क्योंकि बहुत भूख लगा है यार, और ये प्राइवेट बीच के अंदर में ना कम से कम फूड स्टॉल्स तो होने चाहिए थे प्राइवेट बीच के अंदर, पर फक देयर इज नो फूड स्टॉल्स मैन, लाइक सीरियसली, क्या दिन है, क्या जमाना है यहाँ पे। पूरी वजह से जगह में अच्छा सा दाल भात का खाना कहीं नहीं है, हर जगह पे फास्ट फूड, शायद इस टाइम पे खाना लगता नहीं है, अब क्या पता नहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं तब से, कभी मिलने से रहा, और इतना जाम है ना, गाड़ी लेके खाना ढूंढने में हमारा फट रहा है, तभी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हाईवे में रिटर्न होते वक्त जो हाईवे पड़ता है, ये हाईवे में रोक के खा लेंगे, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा ढाबा, बहुत सारा वो सब गया ना रास्ते से आते वक्त, तो वहाँ पर रोक के हम लोग आराम से बैठ के खा लेंगे, वही करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि अभी कोई यहाँ ऑप्शन है नहीं एक्चुअली। फाइनली यहाँ पे कुछ खाए, इट वाज फैमिलिया, अब इसको लेके फिर से ब्रम ब्रम ब्रम
हाँ गाइस, थकान बहुत थक गया यार ट्रैफिक से। फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, अब बस एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, उसके बाद सीधा जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पे। मैं पीछे से चल रहा था, ठीक है, निंदा पीछे था, उसके बाद सामने था एनएस था, उसके बाद सामने स्कूटी चल रहा था, एक ही बार सडनली ना काला धुआं फेंकने लगा, ठीक है, उसके बाद गाड़ी बंद कर गया। यहाँ पे हाईवे पे ही है अभी, काला गाड़ी पूरा गाड़ी बंद कर गया। अभी अब पता नहीं इसमें हुआ क्या है, देखना पड़ेगा जाके। हमारे साथ जो स्कूटी था वो तो भगवान का शुक्र है कि सामने ही एक गैरेज है। हमारे साथ जो स्कूटी था, ये जो स्कूटी है ब्लेजर, पता नहीं क्या हुआ सडनली वी वाज लाइक इन 60-70 पे था हम लोग, और सडनली क्या हुआ इसका पूरा गन 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 करके धुआं फेंका इंजन, धुआं फेंकने के बाद इंजन बंद पड़ गया। अब यहाँ गैरेज में आए हैं, स्कूटी रखते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं, क्या हुआ है प्रॉब्लम। भैया को बोलते हैं क्या यार इतना अच्छा राइड चल रहा था, सडनली पता नहीं क्या हो गया, फक गाड़ी लगाने दो। नो ऑप्शन लेफ्ट, एट द एंड इसको ऐसे बांध के लेके जाना पड़ रहा है। यही गाड़ी ले लिया मैं, फिर से ये गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ, मैंने उसको भेज दिया क्योंकि निंजा पे पॉसिबल नहीं है इसको खींचना। सो लास्ट में बैटमैन ही काम आया इस राइड पे, कोई नहीं। शिट, ऐसे गाड़ी आ रहे हैं लग रहा है। गाड़ी गाड़ी इधर से उधर हो रहा है यार, पहले इसका गाड़ी खराब हुआ, मेरा फ्यूज उड़ गया, नो लाइट्स, कुछ नहीं आ रहा है मुझे। तो भगवान क्या हो रहा है हमारे साथ। यहाँ लगाऊंगा और हम ये स्कूटी यहीं छोड़ के जाएंगे आई गेस, खींच के लेके जाएंगे तो यहाँ ही छोड़ेगा, देखते हैं चल। फक इसका गाड़ी हम लोग यहीं छोड़ के जा रहे हैं, नहीं बना मेरा एटलीस्ट बन गया, इसका फ्यूज उड़ गया था सडनली, ठीक है तो ये गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। हाँ रस्सी ले ले, और एटलीस्ट थैंक गॉड कि इसका फ्यूज खाली उड़ा और कुछ नहीं हुआ, मेरे को लगा सडनली चला गया, चला गया अब तो गया, थैंक गॉड कुछ नहीं होगा। तो चलो फिर मिलते हैं यार सामने सामने। GoPro का बैटरी 7% है, सो आई डोंट नो इट विल रिकॉर्ड और नॉट, चलो पॉज के बात करता हूँ। सो गाइस फाइनली आई एम इनसाइड, ठीक है, आज बहुत गंदा सीन हो गया, बहुत 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 ही गंदा सीन हो गया। गया निंजा लेके था, आ रहा हूँ अपना बैटमैन को लेके। वहाँ एक्चुअली जैसे अभिरूप का स्कूटी ख़राब हुआ ना, वहाँ क्या हुआ, वहाँ ऑप्शन ही नहीं था बनाने का, एंड वी वर लाइक 80-90 किलोमीटर्स अवे, वहाँ से 80-90 किलोमीटर्स था हमको आना। सो तब भी मैं अपना ट्राई किया इस गाड़ी, निंजा से तो खींच नहीं सकते, निंजा पे तो ऑप्शन ही नहीं है खींचने का, सो आई ट्राइड ये गाड़ी से खींचने के लिए ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ भुवनेश्वर आने के बाद ना मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, तो गाड़ी कंप्लीट ऑफ। उसके बाद मुझे पता है मैंने कैसे करके इसको वो किया, एक दोस्त है गैरेज वाला उससे बात किया, फिर वो बोला कि आपका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया होगा, फिर गैरेज लेके गया ठेल ठेल के, फिर स्टार्ट हुआ वो गाड़ी, हम स्कूटी उसका वहीं पे छोड़ के आए हैं वो एक गैरेज में, और एटलीस्ट ये बन गया बोल के हमको कैंपस पहुंचना था, तो हम जल्दी जल्दी भाग के चले आए। अब देखते हैं कल जाके, कल जाएंगे और फिर उसका गाड़ी बनवा के लाएंगे। एनीवेज बैटमैन हर मुसीबत में काम आता है, निंजा हो या Z900। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। एनीवेज मेरे को लगा नहीं था बैटमैन ब्लॉग में आएगा, पर एट द एंड इट केम, इट वाज वेरी गुड प्लीजिंग, थैंक यू बैटमैन फॉर हेल्पिंग। सो साइनिंग ऑफ बाइकर्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, सी यू।